नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, और जिसमें अभी 1 फरवरी 2019 से अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भी कुछ चेंजेस आए हैं। आज हम बात करेंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन बहुत सारे कैंसिल हो रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि लोगों ने नॉन कंप्लायंसेस है, रिटर्न्स फाइल नहीं की और बहुत सारे रीजंस हैं। तो आज हम समझेंगे कि किन किन कारणों से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकते हैं और कैंसिल होने के बाद क्या सिचुएशन है और कैंसिलेशन पे हमारा स्टेटस क्या है और कैंसिलेशन को खत्म मतलब अपने रजिस्ट्रेशन को रीस्टोर कैसे करवाया जा सकता है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, एक्ट और रूल्स में क्या चीजें करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सेक्शन 29 और 30 की हम बात करेंगे और रेलेवेंट रूल्स हैं 20-21 और एक 21A भी ऐड हुआ है, तो आज हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 29 की बात करते हैं। इसमें पहला चेंज आया है कि सेक्शन के नाम में ही चेंज कर दिया है। सेक्शन का नाम था पहले कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब उन्होंने कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो सस्पेंशन वर्ड उसमें ऐड कर दिया है। तो मतलब ये हुआ कहने का, जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है उस दिन से लेकर जब तक मेरी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होती बाय द प्रॉपर ऑफिसर, उस दिन इस पर्टिकुलर रेलेवेंट पीरियड को मैं सस्पेंडेड कहूंगा। इस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा जीएसटी आईएन सस्पेंडेड रहेगा। इसके दो इंपैक्ट हैं दोस्तों, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। पहला कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आप कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, और दूसरा इस पर्टिकुलर पीरियड का आपको कोई भी रिटर्न्स का कंप्लायंस फर्निश नहीं करना है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये प्रॉब्लम हमारी कॉमन प्रॉब्लम थी हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में। हर टैक्स पेयर जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाता था तो उसका कैंसिलेशन जो है वो इफेक्ट आता था 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बाद भी। तो उस उनके लिए मेजर कंसर्न था कि भी व्हेन आई हैव स्टॉप्ड डूइंग बिजनेस, या मेरे को कोई और समस्या है, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई है, मैं अमेलगमेट हो गया हूं, डीमर्ज हो गया हूं, तो उस केस में भी मुझे कंप्लायंस क्यों करना है जब मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए सुओ मोटो अपने आप से पर्सनली जाकर अप्लाई कर दिया। तो ये आपके लिए रिलीफ है 1 फरवरी 2019 के बाद ना आप उस पर्टिकुलर पीरियड में टैक्सेबल सप्लाई कर सकते हैं और ना ही उसके लिए कोई रिटर्न फर्निश करने की जरूरत है। दो सर्कमस्टांसेस है, दो सिचुएशंस है जहां पर डिफरेंट ओकेजंस है जहां पर रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा कैंसिल किया जा सकता है, या टैक्स पेयर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो एप्लीकेशन दे, या उसके बिहाफ पे उसका लीगल हायर एप्लीकेशन दे सकता है अगर टैक्स पेयर की डेथ हो चुकी है। तो पहले सिचुएशन में 3 सर्कमस्टांसेस है। अगर आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, बिजनेस डिसकंटिन्यू होने के कारण हो सकते हैं कि बिजनेस आपने फुल्ली ट्रांसफर कर दिया, या वो प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, या अमेलगमेशन हो गया, डीमर्जर हो गया, या पूरी की तरह वो डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस, तो सुओ मोटो हो सकता है। दूसरी सिचुएशन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव होता है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। तीसरी सिचुएशन है कि टैक्सेबल पर्सन जो है वो नो लॉन्गर रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन है, मतलब सेक्शन 22, 23, 24 और 25 ये रजिस्ट्रेशन के सेक्शन है। सेक्शन 22 में कहता है कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी लिमिट तो आप उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेना है। सेक्शन 23 कहता है अगर होली एग्जेम्प्ट सर्विसेज प्रोवाइड, एग्जेम्प्ट गुड्स और सप्लाई सर्विसेज की सप्लाई करते हो तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और 25 में एक रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में कि अगर आप 22 और 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है फिर भी आप वॉलंटरीली अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो यहां पर अगर आप 25-3 में रजिस्ट्रेशन लिया था और आप 22 और 24 में लायबल नहीं हो तो आप सुओ मोटो जाकर कह सकते हो कि भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। मतलब ये हुआ कि आपकी थ्रेशोल्ड 20 लाख से कम रह गई जिस साल, आप जाकर कह सकते हो कि भी मेरा सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन मेरा कैंसिल कर दो, एप्लीकेशन कर सकते हो और सेक्शन 29 में कैंसिलेशन हो जाएगा। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर के पास ये भी पावर है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दे। वो ओकेजंस क्या हो सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए एक्ट और रूल्स का पालन नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन की, आप सेक्शन 10 में कंपोजिशन डीलर हो, 3 रिटर्न कंसेक्यूटिवली फाइल नहीं की, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो अदर देन सेक्शन 10, सेक्शन 9 में जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, सारे टैक्स पेयर है, उन्होंने 6 महीने कंसेक्यूटिवली इतने रिटर्न्स फाइल नहीं की, फर्निश नहीं की, या 6 टैक्स पीरियड्स की यहां यू कहें कि रिटर्न्स फाइल नहीं की, क्वार्टरली भी हो सकता है किसी का, तो उस केस में उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव डेट से भी कैंसिल हो सकता है। उसके बाद अगर आप सेक्शन 25(3) में रजिस्टर्ड थे और आपने 6 महीने तक
बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, मतलब आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया और 6 महीने तक बिजनेस कमेंस ही नहीं किया, तो आपका रेट्रोस्पेक्टिव डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड या सेपरेशन ऑफ फैक्ट, कुछ छुपाया, गलत बोला, झूठ बोलकर आपने रजिस्ट्रेशन लिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल हो सकता है। इन सबको करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर को आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी होगी, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात एक और समझने वाली है कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है सेक्शन 29 में, उस दिन से पहले की जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उसके लिए आप लायबल हैं, उसका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, जो भी आपका बनता होगा आपको पे करना होगा। अगला, अगर आपका रजिस्ट्रेशन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में कैंसिल हुआ है तो ऑटोमेटिकली सीजीएसटी एक्ट में भी कैंसिल हो जाएगा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है उस दिन अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा है तो उसका आपको क्रेडिट रिवर्स करना है उतने अमाउंट का, और कॉरेस्पॉन्डिंग उसको कैलकुलेट करके कि इसका क्रेडिट कितना मैंने अवेल किया था वो रिवर्स करना है आपको, उसको आपको कैश में पे करना है। और मैंने आपसे बता दिया कि 1 फरवरी 2019 से जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन में वो भी बता दी। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, किन किन कारणों से कैंसिल हो सकता है ये हमने देख लिया। अब सिचुएशन आती है कि इस कैंसल्ड रजिस्ट्रेशन को रिवोक कैसे कराया जाए, मतलब रीस्टोर कैसे कराया जाए, इस कैंसलेशन को रिवोक कैसे कराया जाए, खत्म कैसे कराया जाए, मतलब रीस्टोर कैसे कराया जाए। यहां पर सेक्शन 30 है, रूल 23 है, वो कहता है कि देखिए भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो 30 दिन के अंदर जिस दिन आपको सर्विस हुआ नोटिस फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन उसके 30 दिन के अंदर REG 21 फाइल करो, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये REG 21 फाइल नहीं हो सकता अगर आपका रजिस्ट्रेशन नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से कैंसिल हुआ है, मतलब आपको रिटर्न्स कंपलसरीली अपनी अप टू डेट फाइल करनी होगी, उसके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, फी जो भी बनता है तो वो आपने पे करना होगा। REG 21 फाइल करने के बाद दो ऑप्शन हो सकती है कि प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिलेशन जो है वो रिवोक कर दे, या फिर वो ही इज ऑफ द व्यू कि वो कैंसिलेशन रिवोक नहीं होना चाहिए। अगर वो रिवोक कर देता है तो REG 22 में ऑर्डर दे देगा और आपका कैंसिलेशन जो है रीस्टोर हो जाएगा, मतलब ऑर्डर फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस बात के लिए सोचता है, उसका व्यू ये है कि नहीं भाई ये रजिस्ट्रेशन रिवोक नहीं होना चाहिए, कैंसिलेशन रिवोक नहीं होना चाहिए, रीस्टोर कैंसिल रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो वो आपको REG 23 में एक शो कॉज देगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो आपको मिलनी चाहिए। REG 23 में एक शो कॉज देगा कि ये बताओ कि REG 21 में जो आपने एप्लीकेशन दी थी वो रिजेक्ट क्यों ना कर दी जाए। REG 24 में जिस दिन आपको REG 23 मिला है शो कॉज, उसके 7 दिन में आप REG 24 फाइल करेंगे। REG 24 मिलने के बाद वो 30, उसके पास भी 7 दिन है आगे, वो REG 05 में अपना ऑर्डर देगा फॉर, या तो वो आपको 22 इशू कर देगा, रिवोक कर देगा कैंसिलेशन, या फिर वो आपके शो कॉज के बाद भी जब आपका रिप्लाई आएगा उसको कैंसिल कर देगा और REG 05 में आपका ऑर्डर दे देगा। अगर एक बारी SGST और UTGST में रीस्टोर हो जाता है तो CGST में ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाता है। दोस्तों ये हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया क्या होगा और उसका सोल्यूशन क्या होगा। आई होप कि आपको आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स में ये वीडियो यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप हमारा यूट्यूब चैनल ऐसे ही देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी ही एनर्जी और एंथुसियाज्म से फर्दर और यूजफुल वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।